ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था पशुपालन पर निर्भर है, जिसमें भैंस पालन रीढ़ का काम करती है। ये न केवल रोजगार बल्कि खाद्य सुरक्षा भी देती है। पिछले कई सालों से भारत विश्व में दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। भारत के कुल दुग्ध उत्पादन में भैंसों का 50% का योगदान है। भैंसों का योगदान दुग्ध उत्पादन के अलावा मांस उत्पादन में भी बहुत ज्यादा है, जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत को एक अलग पहचान दिलाता है। घटती जोत और बढ़ती खाद्य मांग ने कृषि संतुलन को बिगाड़ दिया है। उर्वरा शक्ति के हनन और मिट्टी का अत्यधिक शोषण ने पशुपालन को बढ़ावा दिया है। प्राकृतिक आपदाओं से किसान को अक्सर काफी नुकसान हो जाता है। इस अवस्था में पशुपालन उनका सहारा है। आज पशुपालन कृषि व्यवसाय के सहयोगी के रूप में मुख्य व्यवसाय के रूप में उभरा है, जिससे किसान अपनी आजीविका कमा रहा है। भैंस पर शोध के लिए केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1985 में हिसार में की गई थी। इसका एक उपकेंद्र पंजाब के नाभा में स्थापित किया गया है। इस संस्थान में भैंसों की विभिन्न नस्लों पर अनुसंधान के साथ ही समय समय पर किसानों को भी उन्नत भैंस पालन प्रशिक्षण दिया जाता है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1985 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा हिसार में की गई और भैंस के उत्थान के लिए, भैंस के उत्पादन विकास के लिए, उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए विभिन्न उद्देश्य हम लेके चले, और जिनमें से हमारा मुख्य उद्देश्य है कि भैंस के अच्छे जनन द्रव्य, जो अच्छा जर्म प्लाज्म है, उसका विकास, उसका पहचान, उसके संवर्धन, ताकि हमारी जो दूध उत्पादन बढ़े, मांस उत्पादन बढ़े और उनकी कार्य करने की क्षमता बढ़े। ये हमारे तीन उद्देश्य हम लेके चल रहे हैं भैंसों के, और उसके लिए हमारे पास 5 डिफरेंट प्रोग्राम चलते हैं, और उन 5 प्रोग्राम में हमारा सबसे पहला आनुवंशिकी एवं नस्ल सुधार, दूसरा है प्रजनन क्षमता और उसमें सुधार, तीसरा है भैंस पोषण, चारा और दाना के गुणवत्ता और उसमें उपयोगिता में उसमें सुधार, चौथा है भैंस की बीमारियों का अध्ययन करना, और 5वां है प्रौद्योगिकी हस्तांतरण इकाई। प्रौद्योगिकी जितनी भी हमारी टेक्नोलॉजियाँ बनती हैं, उनका हस्तांतरण किसानों तक कैसे पहुँचे, ये विभाग उसको देखता है। हमेशा पशुपालकों को भैंस पालन में उन्नत नस्ल का चुनाव करना चाहिए। अगर भैंस की नस्ल अच्छी होगी तो दुग्ध का उत्पादन भी अधिक मिलेगा। भारत में भैंस की कई उन्नत नस्लें जैसे मुर्रा, जाफराबादी, महसाना, पंधारपुरी और भदावरी पाई जाती हैं। इसमें मुर्रा नस्ल की भैंस को सबसे अधिक उत्पादन देने वाली नस्ल कहा जाता है। इस भैंस के सींग मुड़े हुए होते हैं। मुर्रा भैंस देसी और दूसरी प्रजाति की भैंसों से दोगुना दूध दे सकती है। इससे रोजाना लगभग 15 से 20 लीटर तक दूध मिल सकता है। इसके दूध में फैट की मात्रा भी अधिक पाई जाती है, इसीलिए इसकी कीमत भी अधिक होती है। खास बात यह है कि ये भैंस किसी भी तरह की जलवायु में रह सकती है। इनकी देखभाल करना भी आसान होता है। इनको अधिकतर पंजाब और हरियाणा राज्यों में पाला जाता है। संस्थान में आनुवांशिक संसाधन सुधार कार्यक्रम के तहत मुर्रा नस्ल की आनुवांशिक सुधार पर अध्ययन प्रमुख कार्यक्रम है। भैंस आनुवांशिकी प्रजनन और प्रबंधन विभाग का मुख्य कार्य आनुवांशिकी संपदा में सुधार करना है। संस्थान के पशुजनन एवं देहिकी विभाग में भैंस की नस्ल सुधार के लिए कई तरह के शोध किए जा रहे हैं। जच्चा बच्चा और जनन के बारे में 2 बातें खास हैं। पहली, भैंस हर साल बच्चा दे, और दूसरी, पैदा हुआ बच्चा माँ बाप से ज़्यादा सुपीरियर हो। भैंस हर साल बच्चा दे, इसके लिए ज़रूरी है कि वो 60 से 90 दिन के अंदर अंदर गर्मी में आ जाए और वो टीके लगाने के बाद में रुक जाए। लेकिन कुछ भैंस ऐसी होती हैं कि जो गर्मी में नहीं आती हैं, उसके लिए हम गर्मी में लाने के लिए हमने ऐसी टीके विकसित किए हैं कि जो मिनिमम हार्मोन लगाकर हम उनको गर्मी में ला सकते हैं। फिर इसके बाद में ये ज़रूरी है कि पशु की गर्भ जांच हो जाए, तो हमने संस्थान में गर्भ जांच किट विकसित की है, जो मूत्र के माध्यम से हम पेशाब की लगभग 1 महीने बाद जांच कर सकते हैं, और उससे पता चल जाता है कि भैंस गाभिन है या नहीं है। इसके बाद में ये ज़रूरी है कि
जो पैदा हुआ जो बच्चा है वो माँ बाप से ज़्यादा सुपीरियर हो, इसके लिए जो कृत्रिम गर्भाधान की टेक्नोलॉजी है, हमारा संस्थान झोटों का वीर्य इकट्ठा करता है, जिसमें कि हम 3500 से लीटर वाली जो मादाएं हैं जिन्होंने ज़्यादा दूध दिया है उसका हम वीर्य इकट्ठा करते हैं झोटों का, और इसके बाद में उस वीर्य की अच्छी जाँच की जाती है। जाँच के बाद में उसको हम ये इस बात के लिए परखते हैं कि वो फ्रीज करने के लिए सूटेबल है या नहीं है। संस्थान ने उन्नत भैंस की प्रजाति यानी क्लोन तैयार करने की पहल भी की है। रीप्रोग्रामिंग प्रक्रिया को समझने के लिए एपिजेनेटिक मॉडिफायर सोडियम ब्यूटायरेट का अन्वेषण भी किया गया। इसके अलावा क्लोनिंग और IVF से उत्पन्न भ्रूणों की तुलना करने के लिए एपोप्टोसिस, एपिजेनेटिक्स और कई तरह के जीन अभिव्यक्ति अध्ययनों के लिए उनका उपयोग किया जा रहा है। इस तरह संस्थान ने पहला भैंस का क्लोन हिसार गौरव के नाम से तैयार कर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है, और उसके बाद संस्थान में क्लोनिंग पर वृहद स्तर पर शोध कार्य किया जा रहा है, जिससे लंबे समय तक दूध देने वाली अच्छी नस्ल की भैंसों की संख्या में वृद्धि की जा सके। हमने जो क्लोनिंग तकनीक है उसको विकसित की है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि हमारे देश में जो अच्छे जो सांड हैं उनकी एक कमी है, और ये कमी जो बहुत अच्छे जो लिमिटेड नंबर में जो सांड हैं उसके यदि हम क्लोन तैयार करें तो इससे जो अच्छे जो सांडों की कमी है वो दूर हो सकती है। तो संस्थान ने इस बार 10 क्लोन तैयार किए हैं, और ये सभी अच्छी नस्ल के M29 बुल है एक, जिसकी मदर का दूध 4600 लीटर था, उसके हमने क्लोन तैयार किए हैं। हमारा संस्थान पशुओं के जो भैंसे हैं जो झोटे हैं उनका जो सीमन है वो किसानों के लिए जो है सप्लाई करता है, जो अच्छे अच्छे झोटे हैं, और वो संस्थान में किसी भी दिन जो वर्किंग आवर्स है उसमें आकर किसान जो है ले सकते हैं। संस्थान में क्लोनिंग तकनीक के जरिए भी अच्छी नस्ल की मादा और नर भैंसों पर सफलतापूर्वक काम किया जा रहा है। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। संस्थान में क्लोनिंग पर वृहद स्तर पर शोध कार्य किया जा रहा है, जिससे लंबे समय तक दूध देने वाली अच्छी नस्ल की भैंसों की संख्या में वृद्धि की जा सके। सामान्य तौर पर भैंस एक निश्चित समय यानी 20 से 22 दिन के अंतर पर गर्मी या मद में आती है। एक मद से दूसरे मद का ये समय मद चक्र कहा जाता है। मद में आने पर भैंस लगभग 18 से 24 घंटे तक गर्मी में रहती है। इस अवस्था में कभी भी गर्भाधान कराया जा सकता है। गर्भाधान अगर मध्य से आखिरी मध्य के लक्षणों के दौरान कराया जाए तो गर्भाधान की संभावना सबसे ज्यादा होती है। सुबह के समय मद में आए पशु को उसी दिन दोपहर और दोपहर में मद में आए पशु को दूसरे दिन सुबह गर्भित कराया जाना चाहिए। संस्थान के वैज्ञानिकों के अनुसार पशु की गर्भ की जांच भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये जानना बहुत जरूरी होता है कि पशु का गर्भ ठहरा है या नहीं। इसकी जांच के लिए संस्थान के वैज्ञानिकों की टीम ने एक किट का निर्माण किया है, जिसकी सहायता से पशुओं की गर्भ की जांच आसानी से की जा सकती है। पशुओं में गर्भ जांच एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। आमतौर पर पशु चिकित्सक गाय और भैंस की 2 महीने के बाद गर्भ का पता लगा सकता है कि आपकी गाय या भैंस गर्भित है या नहीं है। यदि पशु खाली है तो आप उसको तुरंत जल्दी से जल्दी आप उसको दोबारा से AI करवा सकते हैं, जिससे आपको पैसे की बचत भी होती है और आपके पशु का जो लाइफ टाइम प्रोडक्शन है वो भी बढ़ता है। इसके लिए केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान काफ़ी लंबे समय से कोई ऐसा तरीका ढूंढने में लगा हुआ था जिससे किसान भाई अपने आप
स्वयं से या काउ साइड टेस्ट जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं काउ साइड टेस्ट से पता लगा सके कि उसका पशु गाभिन है या नहीं है। इस प्रक्रिया में हमने एक प्रोटोटाइप जिसको हम कह सकते हैं कि एक प्रूफ ऑफ कंसेप्ट उसको तैयार किया है और इस किट में हम लोग 7 चीज़ें देते हैं जिसमें 3 बोतलें हैं ए बी और सी, उसके अलावा 3 टेस्ट ट्यूब हैं, उसके अलावा एक छोटा सा बीकर है, एक कार्ड रीडर है और इनसे एक सिंपल तरीके से किसान भाई अपने आप पता लगा सकते हैं कि उनका पशु गाभिन है या नहीं है। इस प्रक्रिया में सबसे पहले टेस्ट ट्यूब में यूरिन डालते हैं एल निशान तक, उसके बाद ए शीशी की 6 बूंदें, उसके बाद 3 बूंदें बी सीसी की और उस टेस्ट ट्यूब को हम लोग एक बीकर पर रख के और उसको धीमी आंच पे 20 मिनट के लिए गर्म करते हैं। इस प्रक्रिया के बाद उसको वहाँ से उतारते हैं और 5 मिनट तक उसको ठंडा होने देते हैं। उसके उपरांत सी 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 को यू लेवल का टेस्ट ट्यूब में जो यू लेवल है वहाँ तक उसको हम भरेंगे और उसके उपरांत लगभग 5 मिनट के बाद उसमें क्या रंग आया है उसको देखते हैं। यदि उसमें एक डार्क ब्राउन लाल रंग का गादलापन अगर वो आता है तो इसका मतलब पशु गाभिन है और ऐसा कलर नहीं आता तो इसका मतलब पशु गाभिन नहीं। ये एक सिंपल सी प्रक्रिया है जो किसान भाई खुद कर सकते हैं। सभी पशुपालक सांड को पाल नहीं सकते लेकिन कृत्रिम गर्भाधान से अपनी मादा पशु को गर्भित कराकर मनोवांछित फल पा सकते हैं। अच्छी खेती के लिए जिस प्रकार किसान सबसे पहले अच्छे बीज का प्रबंध करते हैं उसी प्रकार पशुपालन के अंदर जो बीज का काम है वो सीमन के टीके करते हैं। अगर फार्मर अच्छे पशु रखेंगे तभी वो ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो है कि हम कृत्रिम गर्भाधान से उत्तम नस्ल के सांड से अपने पशुओं का गर्भाधान करवाएं। देश के अंदर अब तक सबसे उपयोगी जो तकनीक है जिसने किसानों को सबसे ज़्यादा फायदा पहुंचाया है दूध की उत्पादकता बढ़ाने के अंदर वो कृत्रिम गर्भाधान तकनीक है। संस्थान में क्लोनिंग तकनीक के जरिए भी अच्छी नस्ल की मादा और नर भैंसों पर सफलतापूर्वक काम किया जा रहा है। अब क्योंकि विज्ञान प्रगति पर है और नई से नई तकनीक आ रही है जिसमें भ्रूण प्रत्यारोपण और अब क्लोनिंग एक ऐसी तकनीक नई आई है कि जिससे हम कम समय में ज़्यादा सांड अच्छी प्रकार के अच्छी नस्ल के पैदा कर सकते हैं। इस तकनीक में खास बात ये भी है कि हमें पैदा होने वाले बच्चे का जो सेक्स है उसका पहले से ही पता होता है। अगर हम किसी मेल से किसी सांड से उसकी कोशिकाएं लेकर क्लोन बनाएंगे तो हमारे को सांड ही पैदा होगा और उसी जेनेटिक मेकअप गुणवत्ता का होगा जिससे हमने सेल ली थी। तो इस प्रकार इस क्लोनिंग तकनीक से इस संस्थान के अंदर हमने अब तक टोटल 10 क्लोन पैदा किए हैं जिनमें से 7 क्लोन एक ही उत्तम नस्ल के सांड के हैं। जो 2 क्लोन हमारे बड़े हो चुके हैं वो सीमन देना शुरू कर चुके हैं। इशार गौरव जो 2015 में पैदा हुआ था उससे हम 12,000 टीके तथा 25 से ज़्यादा बच्चे भी ले चुके हैं और जो सच गौरव है उससे भी हम 2,000 सीमन के टीके तैयार कर चुके हैं। ये जो अब क्लोन हमारे पैदा हुए हैं ये लगभग 8 महीने से 1 साल की उम्र के हैं, लगभग 1.5 से साल के अंदर ये सीमन देना शुरू कर देंगे और इन 10 जोटों से हम 10 से 15 लाख सीमन की डोज तैयार कर सकते हैं। इस प्रकार जो ये सीमन उस पूल के अंदर जाएगा जो कृत्रिम गर्भाधान के लिए यूज होता है तो हमारे उत्तम नस्ल के पशु पैदा होंगे, बीमारी रहित पशु होंगे और ज़्यादा अच्छी कीमत देने वाले पशु हम नर और मादा दोनों ही पैदा कर सकते हैं। और क्लोन के जो वीर्य से जो पैदा होते हैं उसमें उसी प्रकार टीके का उपयोग होता है जैसे हम नॉर्मल कृत्रिम गर्भाधान में करते हैं। नर और मादा दोनों ही पैदा होंगे और दोनों ही उत्तम नस्ल के होंगे जिससे हम दूध उत्पादन सीधा बढ़ेगा और फार्मर को सीधा सीधा फायदा होगा।
साइलेज उस पदार्थ को कहते हैं जो कि अधिक नमी वाले चारे को हवा रहित रखा जाता है। संस्थान के वैज्ञानिकों ने उन्नत साइलेज बनाने की तकनीक विकसित की है। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। सभी पशुपालक सांड को पाल नहीं सकते, लेकिन कृत्रिम गर्भाधान से अपनी मादा पशु को गर्भित कराकर मनोवांछित फल पा सकते हैं। भैंस पालन पर लगने वाली लागत का 70-75% हिस्सा आहार पर खर्च होता है, इसलिए आधुनिक और संतुलित पशु पोषण प्रणाली का उपयोग कर भैंस पालन पर खर्च कम किया जा सकता है। संतुलित आहार के उपयोग से भैंस जहां एक ओर क्षमता के अनुसार दुग्ध उत्पादन और प्रजनन क्षमता का प्रदर्शन करती है, वहीं दूसरी ओर बीमारियों से बचाव होने के कारण भैंस पालन पर आने वाले खर्च में कमी भी लाई जा सकती है। पशु जो है उनका रखरखाव ऐसा होना चाहिए जिससे कि हम उससे अधिक से अधिक उत्पादन ले सकें। अगर हम अपने संस्था की बात करें तो हमारे जो दूध देने वाले पशु हैं उनका जो औसतन है वो हम प्रतिदिन हर पशु से 10 किलो दूध लेते हैं, जिसमें कि अधिकतम जो है वो 22.5-23 किलो की भी हमारे पास इस वक्त जो है भैंस है। सबश्रेष्ठ पशु जो है वो हमारा 4765 किलो प्रति ब्यांत उसने दूध दिया है। पशुओं के अच्छे स्वास्थ्य और अधिक उत्पादन के लिए उनके आहार में कई प्रकार के खनिज पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है। अच्छे पशु रखने के लिए ऐसा प्रबंध होना चाहिए जिससे कि पशु को कंफर्ट मिले और वो पशु को पूरी खुराक उसके दूध उत्पादन के हिसाब से है वो दी जाए। जैसा कि हम इस संस्था में करते हैं, हम सुबह 8 बजे सभी पशुओं को चरने के लिए खेतों में भेजते हैं। वहाँ से पशु 2-2.5 घंटे बाद लौट के आते हैं। उसके बाद हम उनको जिसको कि हम अंग्रेजी में कंसंट्रेट मिक्सचर कहते हैं, उसको चाट भी बोलते हैं, जो कि 3 हिस्सों से बना हुआ होता है, जिसमें करीब 35 से जो है उसका खल होता है और उस खल के अंदर भी हम 2 खलों का इस्तेमाल करते हैं, सरसों का खल और बिनौले का खल। खल के अलावा उसमें दाना होता है, दाने में हम गेहूँ और मक्के का इस्तेमाल करते हैं और चोकर होता है। ऐसे करके उस कंसंट्रेट मिक्सचर के अंदर 2 हिस्से मिनरल मिक्सचर के होते हैं और 1 हिस्सा नमक का होता है। तो ये हम हर पशु को जो दूध वाले पशु हैं बाकी पशु को भी हम ये कंसंट्रेट मिक्सचर देते हैं। भारत में भैंस बहुतायत में पाई जाती है। भैंसें ज्यादा मात्रा में आहार खाती हैं और उस आहार को पचाते समय वो मीथेन गैस निकालती हैं, जो कि पर्यावरण की दृष्टि से अच्छा नहीं है। संस्थान के पशु पोषण विभाग में इस समस्या के समाधान के लिए एक कंप्लीट फीड मिक्सचर बनाने की तकनीक विकसित की गई है। हम एनिमल से सिर्फ दूध ही नहीं पाते, इतना ज्यादा जो एनिमल हमारा पास है ये हमारा वातावरण को भी प्रदूषित करते हैं। अब पेट में जो खाना जो पचता है हम एनिमल को जब खिलाते हैं, एक पचने का टाइम में वो मीथेन प्रोडक्शन होता है। मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस माना जाता है जो एनिमल का मुंह से बाहर निकलता है और वातावरण को प्रदूषित करता है। अब हमारा रिसर्च एक काम रिसर्च में है जो कैसे हम मीथेन प्रोडक्शन कम कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए हमने एक जो कंपोजिट फीड मिक्सचर बनाया है जिसमें से कुछ केमिकल है, कुछ तेल है, कुछ पत्ती है जिसमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स है, ये सारे कुछ मिला के दाना में खिला के हमें देखा है जो इसमें मीथेन प्रोडक्शंस भी कम होता है और साथ में दूध उत्पादन भी लगभग 10% बढ़ जाता है। जुलाई से लेकर अक्टूबर तक पशुपालक के पास पर्याप्त मात्रा में हरा चारा और घास उपलब्ध होती है। ये हरा चारा खराब किए बिना पशुपालक उन दिनों के लिए सुरक्षित कर सकते हैं जब हरे चारे की कमी होती है। पशुपालक अपने घर के आसपास गड्ढा करके साइलेज को बना सकते हैं। इसको खिलाने से पशुओं का दुग्ध उत्पादन भी अच्छा होता है और लागत भी बहुत ज्यादा नहीं आती है। साइलेज सुपाच्य और अधिक पोषक तत्वों के कारण पशुओं के लिए गुणकारी खाद्य है। साइलेज उस पदार्थ को कहते हैं
जो कि अधिक नमी वाले चारे को हवा रहित रखा जाता है। संस्थान के वैज्ञानिकों ने उन्नत साइलेज बनाने की तकनीक विकसित की है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार में हरा चारा और साइलेज की हर रोज की रिक्वायरमेंट 125 से 140 क्विंटल के आसपास होती है, जिसको हम अपनी भैंसों को साइलेज बनाकर और हरा चारा काटकर पूरी करते हैं। किसान भाइयों के लिए भी मैं साइलेज बनाने के लिए रिकमेंड करता हूं, क्योंकि साइलेज बनाने से आप अपने पशुओं को अच्छी क्वालिटी का चारा पूरे साल दे सकते हैं। साइलेज बनाने से एक फायदा तो यह है कि अच्छी क्वालिटी का चारा मिलता है, दूसरे आज के दिन आप देख सकते हैं कि दिन प्रतिदिन लेबर की कमी होती जा रही है और हरा चारा काटने के लिए हर रोज लेबर की जरूरत पड़ती है, लेकिन साइलेज बनाने में एकदम इकट्ठी बना लेते हैं। दूसरी ये है कि आप हरा चारा काटने के लिए भी आजकल जैसे मशीन CIRB में लगी हुई है, ऐसे 4-5 किसान मिलकर एक मशीन ले सकते हैं, वो अपने ट्रैक्टर के आगे लगा के हर रोज उससे हरा चारा भी काट सकते हैं और आप उससे गेहूं की फसल और धान की फसल को भी काटकर आप अपनी उत्पादन कोस्ट कीमत है उसको कम कर सकते हैं और आप ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। और साइलेज बनाने के लिए जैसे मेरे पीछे जो ज्वार की फसल दिखाई दे रही है, ये सबसे उचित स्टेज पे है, इसको दूधिया स्टेज बोलते हैं। अगर इस स्टेज पर फसल को काटकर मशीन से इसकी चैपिंग करके गड्ढे में दबा दिया जाए तो 42 दिन के बाद इसकी बहुत ही अच्छी क्वालिटी की साइलेज बनेगी। इसकी साइलेज बनाने की सबसे पहली कंडीशन है कि इसके काट कर हर रोज गड्ढे में डालते जाओ और उसको ट्रैक्टर से प्रेस करते जाओ ताकि उसकी हवा निकल जाए और किसी भी प्रकार की उसमें फफूंद ना लगे, और आखिर में जाके ट्रैक्टर चला के थोड़ा सा नमक डालकर फिर साइलेज को हम पॉलीथीन से ढक देते हैं और उसके ऊपर 3-4 इंच की मिट्टी डाल देते हैं ताकि उसमें हवा ना रहे और वो हवा ठंडी होकर वहाँ बढ़ के जो वाष्प है वो पानी बनकर साइलेज को गंदा ना करे, ये साइलेज की सबसे पहली कंडीशन है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान का प्रसार योजना और गतिविधियों से प्रयास है कि छोटे और सीमांत कृषक, खेतिहर मजदूर, ग्रामीण महिलाएं और युवा पशुपालक आधुनिकतम वैज्ञानिक जानकारी लेकर अपने ज्ञान स्तर को बढ़ाएं। इसके साथ ही दक्षता हासिल करके वैज्ञानिक पद्धतियों पर आधारित भैंस पालन उद्यमिता को अपना सकें। इसके अलावा किसान गोष्ठियों का आयोजन, पशु मेलों का आयोजन, चारा संरक्षण और पौष्टिकता बढ़ाने की तकनीकों का प्रदर्शन किया जाता है। ये संस्थान किसानों के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम करता है। इन कार्यक्रमों में विशेषतः हम हर महीने इस संस्थान में एक प्रशिक्षण का कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जो कि हम उन्नत भैंस पालन विषय पर करते हैं, और इस प्रशिक्षण में करीब 50-60 किसान, जिसमें महिलाएं भी बहुत होती हैं, लगभग आधा उसमें महिलाएं भी होती हैं, जो कि बहुत ही बढ़ चढ़ कर भाग लेती हैं। हमारा महिलाओं का को रखने का इस कार्यक्रम में हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि महिलाएं जो है हरियाणा में, उनका बहुत ही अधिक योगदान है भैंस पालन के अंदर। इसके अलावा हम और भी कई किस्म के कार्यक्रम करते हैं, जैसे कि हर वर्ष एक मेला करते हैं, उस मेले में हम दूध प्रतियोगिताएं करते हैं, पशुओं की प्रतियोगिताएं करते हैं, और उसमें हम प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पुरस्कार भी देते हैं, तथा हम खास तौर पर झोटों के कार्यक्रम भी करते हैं। हमारे इन कार्यक्रमों से भैंस पालन जो है खास तौर पर हरियाणा के अंदर किसानों में बहुत ही रुचि उन्होंने लेनी शुरू की, खास तौर पर झोटे पालने में। और हमारा एक संतति परीक्षण कार्यक्रम भी है जो कि हम 10 गांवों के अंदर करते हैं, उसमें हम बहुत बढ़िया झोटों के वीर का इस्तेमाल करते हैं, और हमने लगभग 50,000 से अधिक कृत्रिम गर्भाधान इन गांवों में किए हैं, और हमारे जो कंसेप्शन रेट है यानी कि सक्सेस रेट है करीब करीब 50% है, और हमारे इन कार्यक्रमों से बहुत अच्छी झोटियां वहां पर पैदा हुई हैं। इसीलिए हम इसको और इस पे किसानों की रुचि बढ़ाने के लिए हम वहां पर काफ रैलीज भी करते हैं, उसमें भी हम फर्स्ट सेकंड थर्ड इनाम देते हैं। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान ने भैंस पालन को एक नई दिशा और नया आयाम दिया है। छोटे किसान से लेकर डेयरी उद्यमियों तक ने संस्थान में विकसित की गई तकनीकों का लाभ उठाकर आर्थिक समृद्धि और संपन्नता की